अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुफिन दवा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर ऑनलाइन और VPPLF वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है, उस हवाले से है। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने 24/7 टीचर्स ऑनलाइन एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी समझ नहीं आ रही तो आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहाँ पे मेरे ट्यूटोरियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अवेलेबल हैं, वो जाके सुनिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखिए। दोस्तों, मेरे चैनल का URL मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वैसे भी आपको बता देता हूँ, www.youtube.com/teachersonline4u। अब 4 जो है वो डिजिट वाला है, मतलब 4 जैसे 1, 2, 3, 4 आता है वो है, और यू जो है वो YOU नहीं बल्कि सिंगल यू है। तो आप इस चैनल पे जाइए और जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। दोस्तों, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ EBC बिजनेस ऑन 30th June 2019। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन यू हैव रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इक्विटी, टोटल इनकम या रेवेन्यू, सेलिंग एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दोस्तों, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है कि हमें एक ट्रायल बैलेंस की तरह जो है एक टेबल दिया गया है, जिसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव 60,000 के, कैरिज है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 1,60,000, परचेजिज हैं 5,50,000 की कैरिज है, परचेजिज के ऊपर 50,000, रेंट ऑफिस बिल्डिंग है 2,78,222 का, टैक्स है 20,364 के, मार्कअप है ऑन लोन 15,228 का, सैलरीज हैं एम्प्लॉयज की 16,369, बैंक चार्जेज हैं 29,367, फाइनेंशियल चार्ज में 17,268, अमाउंट अर्नड है सेल्स गुड्स की 1,21,000 और अमाउंट अर्नड रेंडरिंग सर्विसेज है 8,40,000, टोटल लाइबिलिटीज 10,30,000, कॉपीराइट्स जो हैं वो 2,50,000 के हैं, गुडविल 1,50,000 की है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,70,000, प्लांट एंड मशीनरी 7,50,000, लैंड है, बिल्डिंग है 7,70,000, कैश इन हैंड है 1,50,000 और टोटल एसेट्स जो हैं हमारे वो हैं 22,40,000 के। और एंड पे एक नोट दिया गया है, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना तो ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई वी हैव ओनली द टेबल जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, और फ्रॉम दिस टेबल वी हैव कैलकुलेट द इंटेंजिबल एसेट, इक्विटी, टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम, सेलिंग एक्सपेंसिव और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट करनी है। दोस्तों, ये है हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। तो चलिए अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इंटेंजिबल एफर्ट। दोस्तों, इंटेंजिबल एफर्ट से मुराद ऐसे एफर्ट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखते। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले कॉपीराइट्स अवेलेबल हैं 2,50,000 के, उसके बाद हमारे पास जो है पेटेंट एंड राइट्स अवेलेबल हैं 1,50,000 के। तो इस तरह हमारे जो टोटल इंटेंजिबल एफर्ट्स बनते हैं वो बनते हैं 4,50,000 के, और इस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमने दोस्तों कैलकुलेट करना है इक्विटी, कि हमारा जो इक्विटी का पोर्शन है वो कितना है। तो दोस्तों, इस असाइनमेंट के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है उसके अंदर हमें जो टोटल लाइबिलिटीज दी गई हैं वो दी गई हैं 10,30,000 की। उसके बाद जो हमें टोटल एसेट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 22,40,000 के। तो द डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज कॉल्ड इक्विटी। तो हमारे पास जो टोटल इक्विटी बच जाती है वो बच जाती है 12,10,000 की। तो हमारे
जो टोटल इक्विटी है वो है 12,10,000 की, और इसके साथ हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों जो हमें थर्ड रिक्वायरमेंट दी गई है वो ये दी गई है कि वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम एंड टोटल रेवेन्यू, कि हमने टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। इसमें देखें हमारे पास जो है सेल्स दिया गया है सबसे पहले 1,21,000 की, उसके बाद हमें जो है सर्विसेज से जो आमदनी हुई है वो हुई है 8,40,000 की। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल इनकम या रेवेन्यू या सेल जो है वो बन जाती है 9,61,000 की। हमने अपनी सेल्स को और सर्विसेज से जो इनकम हुई है उसको टोटल किया वो 9,61,000 बन गई, और दिस इज द टोटल इनकम एंड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी एट द 30th June 2019। ये इस तरीके से हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस असाइनमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। अब हम चलते हैं जी अपनी फोर्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। फोर्थ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है सेलिंग एक्सपेंसिव की, कि हमने कैलकुलेट करनी है सेलिंग एक्सपेंसिव। अब सेलिंग एक्सपेंसिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिव जो है वो हैं दोस्तों हमारे पास 65,000 के, और उसके बाद कैरिज है, कैरिज जो है वो हमारे पास 1,60,000 का। तो इस तरीके से हमारे टोटल जो एक्सपेंसेस बन जाते हैं वो बन जाते हैं 2,25,000 के। तो ये जो वैल्यू है 2,25,000, ये हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं टोटल। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है इस असाइनमेंट की वो भी पूरी हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, दैट इज कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कि हमने फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव टू कैलकुलेट द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इन द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दैट असाइनमेंट। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें दोस्तों हमारे पास परचेजेस हैं 5,50,000 की, उसके साथ हम ऐड करते हैं कैरिज, वो है हमारे पास 50,000। तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की वो आ गई 6,00,000। तो इस तरीके से हमारी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इसमें हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ, और ये फिफ्थ वाली कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, जिसके अंदर हमने परचेजेस को और कैरिज ऑन परचेज जो है 50,000 उसका जब हमने टोटल किया तो हमारे पास टोटल 6,00,000 आ गया। तो यही हमारा जो है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर आपको असाइनमेंट समझ आ गई है दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया मैंने एक नया चैनल शुरू किया है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन, जिसका URL नीचे आपको नज़र आ रहा है www.youtube.com/teachersonlineforyou। आप इस पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो वो वहाँ पे जाके मेरे ट्यूटोरियल्स ले सकता है। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट की सूरत में फीडबैक दीजिए। और मोहसिन भाई को अगली असाइनमेंट या कुछ तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।